हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हैंड नीटिंग विद अनीता। आज ये देखिए, मैंने 6 से 7 साल के बॉयज़ का स्वेटर ये बनाया है 3 कलर में। इसमें मेरी 400 ग्राम वूल लगी है और इसकी लेंथ देखें तो लेंथ है हमारी इधर से तो 12 इंच, चौड़ाई में 12 इंच है। टोटल लेंथ देखते हैं तो ये हमारी बैठती 21 इंच। कंधे तक देखते हैं तो कंधे तक है हमारी 15 इंच। ये बॉयज़ भी पहन सकते हैं, इसको गर्ल्स भी पहन के लिए भी पहन बना बना सकते हैं हम अपने। ये देखिए, आगे से पीछे से 3 कलर इसमें मैंने यूज़ किए हैं, रेड है, ब्लैक है और वाइट कलर। वाइट थोड़ा लगा है और रेड और ये ब्लैक ज़्यादा लगा है। बाजू में भी सेम वही पैटर्न डाला है और बाजू की लंबाई देखें तो बाजू की लंबाई है हमारी 16 इंच। ऊपर यहाँ पर देखिए, गले में मैंने यहाँ पर ये बटन लगा दिया, ये यहाँ पर बटन लगा दिया। इसको पहन खोल के पहन सकते हैं, अगर बच्चे के सिर में हमें टाइट लगे तो हम इसको खोल के भी पहना सकते हैं। ये देखिए इस तरह। कंधे की लेंथ देखें तो कंधे हमारा है 7 इंच का। इस तरह ये मैंने ये बनाकर सारी तैयार की है। अब इसका मैं फुल मेज़रमेंट आपको बताऊंगी मैंने इसको कैसे बनाया है। वैसे तो ये जो भी नीचे मैंने डिज़ाइन डाला है इसकी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। एक वीडियो इसकी अपलोड की है और 2 वीडियो फ्रंट, आधा पार्ट ये बताया, आधा पार्ट एक वीडियो में ये बताया, तो मैं वो वीडियो मैं आपको अपलोड कर चुकी हूँ, वो आपको मिल गई होगी। बाकी इसमें कितने फंदे डाले, कैसे इसको मैंने बनाया, वो अभी मैं धीरे धीरे सारा आपको बताऊंगी। मेरे बताने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसके लिए मैंने 10 नंबर की और 12 नंबर की सिलाइयों को यूज़ किया है। जहाँ मैंने बॉर्डर बनाया है यानी नीचे बाजू के बॉर्डर में, नीचे के बॉर्डर में और गले में, यहाँ तो हमने 12 नंबर की सिलाई को यूज़ किया है और बीच में जो ये सारा डिज़ाइन डाला है और प्लेन बनाया है ये मैंने 10 नंबर की सिलाई से बनाया है। आगे पीछे सारा का सारा एक जैसा डिज़ाइन डाला हुआ है, बाजू में भी सेम ये। तो अब इसे हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए चाहिए मुझे 12 नंबर की सिलाई और फिर 10 नंबर की सिलाई। 12 नंबर पे हम बॉर्डर बनाएंगे और बॉर्डर से ऊपर हम 10 नंबर की सिलाई को यूज़ करेंगे। तो अभी नीचे मेरा मेन कलर है रेड, रेड कलर से हम फंदे डालना शुरू करेंगे। बीच में हम वाइट और ब्लैक बनाएंगे। तो ये मैं 12 नंबर पर हम फंदे डालना शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, डबल धागा करके एक नॉट लगा लेंगे। नॉट लगाने के बाद डबल धागे वाले को हम ऐसे, और सिंगल धागा इसके ऊपर से ले जाकर इसको ऐसे खींच देंगे। इसको ऐसे क्रॉस करेंगे इसके ऊपर से और इसको खींच देंगे। ये देखिए, जो इस साइड में है उसको क्रॉस करते हुए सिंगल धागे को इसके ऊपर से। अब इसमें फ्रंट पार्ट में डालेंगे हम यहाँ पर 90 फंदे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट में डालते हुए 90 फंदे डालेंगे। 90 फंदे डालने के बाद ये देखिए, एक सिलाई बनाएंगे हम सिंपल। एक सिलाई हमने सीधी सीधी बना ली और उसके बाद हमने बॉर्डर बनाना शुरू किया है। बॉर्डर बनाया है हमने 12 नंबर की सिलाई से। 2 फंदे सीधे बनाए हैं, धागे को आगे करके 2 फंदे उल्टे बनाए हैं। 2 फंदे सीधे बनाए हैं और 2 फंदे उल्टे बनाए हैं। इस तरह हमने
बॉर्डर बनाया है। बॉर्डर बनाकर देखिए बॉर्डर यहाँ पर हमने तैयार कर लिया, ये हमारा बॉर्डर बनकर तैयार है। बॉर्डर बनाया है हमने देखिए यहाँ पर पूरे 2 इंच का मैंने बॉर्डर बनाया है, 2 सीधे हैं 2 उल्टे हैं। 2 इंच का बॉर्डर बनाने के बाद यहाँ पर हमने 5 फंदे बढ़ा दिए, 10 नंबर की सिलाई लगा ली और 5 फंदे बढ़ा लिए, 95 फंदे हो गए हैं। 95 फंदों से फिर हमने 8 सिलाइयाँ लाल रेड कलर से और बनाई हैं बॉर्डर से अलग, 8 सिलाइयाँ बनाई हैं सीधी उल्टी। बनाने के बाद ये पैटर्न मैंने डाला है, इस पैटर्न को मैं आपको अपलोड कर चुकी हूँ, वो आपको मिल गया होगा। 8 सिलाइयों का ये पैटर्न है। उसके बाद हमने ये देखिए यहाँ से 9 इंच की लंबाई करने के बाद मैंने ये दूसरा पैटर्न डाला है, ये सिर्फ ब्लैक और वाइट कलर से ही है। उसके बाद दूसरे पैटर्न के बाद हमने बनाया है 3 इंच और बनाया, 3 इंच और बनाने के बाद फिर ये नेक्स्ट ये अलग से डिज़ाइन डाला है। इस डिज़ाइन की वीडियो भी मैं आपको अपलोड कर चुकी हूँ। यहाँ पर जब ये ब्लैक कलर से हाफ डिज़ाइन बन गया है तब हमने यहाँ पर कंधे की कटाई शुरू की है, दोनों साइड से कंधे की कटाई शुरू की है, इधर से भी और इधर से भी, दोनों साइड से कंधे की कटाई। कंधे तक हमारी लंबाई अगर हम नापें तो हमारी कंधे की लंबाई होती है ये ब्लैक कलर तक है, और यहाँ है हमारी 16 इंच की लंबाई हमने की है। इसमें 6 से 7 साल तक के बेबी के बॉयज़ की स्वेटर है। उसके बाद 95 फंदे हैं, और अगर ज़्यादा हेल्दी हमारा बेबी हो तो इसमें हम 100 फंदे भी कर सकते हैं, और थोड़ा कमज़ोर पतला है बच्चा तो हम इसमें 90 फंदे भी रख सकते हैं, नीचे हम 85 फंदे डालेंगे। इसको करने के बाद 16 इंच की लंबाई होने के बाद यहाँ हमने कंधे की कटाई शुरू की है। कंधे की कटाई में देखिए मैंने बनाए हैं 4 फंदे शुरू में, 4 फंदे इधर से घटाए हैं, 4 फंदे इधर से घटाए हैं शुरू में फर्स्ट सिलाई में। उसके बाद पैटर्न डालते हुए पैटर्न को बदल दिया, यहाँ पर कलर को बदल दिया, पैटर्न हमारा सेम है, उसके ऑपोजिट ये बिल्कुल बना हुआ है। हमने यहाँ पर आगे डब बनाई है, पहले 4 इधर से घटाए 4 इधर से घटाए थे, 3 फंदे घटाने के बाद फिर हम हर स्टार्ट में सिलाई उल्टी सिलाई शुरू करी तब भी, और इधर से सीधी सिलाई शुरू करेंगे तब भी, हमने एक एक फंदा घटाया है हर सिलाई में, एक एक फंदा घटाया, एक इधर से, और इस तरह घटाते घटाते हमने कंधे की लंबाई की है। ये देखिए हमारी 7 से थोड़ी सी ऊपर 7 सवा 7 इंच के करीब हमने की है। ऊपर रह गए हमारे यहाँ पर 50 फंदे, 95 फंदे थे हर बार घटाते घटाते, ऊपर रह गए हमारे यहाँ 50 फंदे। तो इस तरह ये हमारा एक पार्ट पूरा हो गया है, दूसरे पार्ट की भी हम इसी तरह मैं इसको रेडी कर लेती हूँ। सेम हमारे चारों पार्ट सेम बनेंगे, बस बाजू में हमने फंदे बढ़ाने हैं, बाकी डिज़ाइन को और कंधे की कटाई हमारी एक जैसी ही होगी। 4 पहले 3 3 3 घटाने के बाद 3 3 दोनों साइड, फिर एक ऊपर 50 फंदे रहेंगे फ्रंट में और बैक में, और बाजू में रहेंगे, अभी मैं बाजू को बनाकर तैयार कर लेती हूँ, तो उसमें हमारे कितने फंदे रहेंगे वो मैं अभी आपको बताएंगे। अब ये बैक और फ्रंट पार्ट हमारा तैयार हो गया है। अब हमने बना रही है अपनी बाजू में डाले हैं मैंने 44 फंदे डालकर, और इसमें भी हमने 2 इंच के करीब ही बॉर्डर बनाया है, 2 इंच पौने 2 इंच का करीब यहाँ हमारा बॉर्डर है। यहाँ पर बॉर्डर बनाने के बाद 44 इंच के फंदे और 12 नंबर की सिलाई पर ही बॉर्डर बनाया है। मैं सभी बॉर्डर कंधे की पट्टी गले की पट्टी 12 नंबर की सिलाई से ही बनाती हूँ, क्योंकि वो बाद में लूज़ हो जाते हैं अगर हम 10 नंबर से बनाएं तो। अच्छा, अब ये बॉर्डर बनाने के बाद एक फंदा इधर से बढ़ाया, एक फंदा इधर से बढ़ाया,
44 थे, 46 फंदे हो गए हर छठी सिलाई में। हर यहाँ पे बढ़ाया, फिर ये देखिए यहाँ पे बढ़ाया, हर छठी सिलाई में हम फंदे बढ़ाते चले गए हैं। जैसे फ्रंट पार्ट में और बैक पार्ट में डिज़ाइन डाला है, सेम वही पैटर्न हम इसमें भी डाला है। हमने ऊपर जाकर मैंने किए हैं 72 फंदे, ये देखिए हमारे पास यहाँ बढ़ाते बढ़ाते 72 फंदे हो गए हैं। 72 फंदों के बाद यहाँ पर सेम जैसे हमने फ्रंट पार्ट में कटाई की है, सेम कटाई वो इधर भी की है। वही देखिए 7 इंच की लंबा कंधे हमारे इधर हैंगे। इधर घटाते घटाते 72 फंदों से हमारे पास रह गए हैं अभी यहाँ 30 फंदे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 30 फंदे हमारे, 30 फंदे इसमें रह गए हैं। तो इस तरह मेरी अब एक बाजू और रह गई है, उस बाजू को भी मैं रेडी कर लेती हूँ और फिर हम बताएंगे गले की पट्टी में हमने कितने फंदे रखने हैं। दूसरी बाजू भी बनकर मैंने तैयार करा ली। तैयार होने के बाद अब हम इनको एक सिलाई में करेंगे, सारे फंदों को एक ही फंद में कर लेंगे। ये है हमारा फ्रंट पार्ट, फ्रंट पार्ट ये है हमारी बाजू, ये बैक पार्ट और ये दूसरी बाजू। तो अब ये देखिए इसमें बचे थे मेरे फ्रंट पार्ट में 50 फंदे और बाजू में बचे थे क्योंकि इसमें थे हमारे 95 फंदे, इसमें बचे 50 फंदे। बाजू में थे हमारे 74 फंदे, 72 या 74 फंदे, ऊपर इसमें बचे हैं 30 फंदे। इसी तरह पीछे वाले में 50 फंदे बच रहे हैं और ऊपर दूसरी बाजू में भी 30 फंदे, लेकिन हम रखेंगे इसमें 38 या 40 फंदे फ्रंट पार्ट में। बाजू में रखेंगे हम 15 फंदे, ऐसे ही इसमें 38 या 40 38 39 40 बस इतने, और दूसरी बाजू में भी रखेंगे हम 15 फंदे। जो फालतू फंदे हैं उन्हें हम घटा देंगे। तो अब ये देखिए यहाँ पर हमने 2 सीधे 2 उल्टे हैं। अब इसमें 30 फंदे हैं तो हर हमने 15 फंदे रखने हैं, हर फंदे को हम दो का एक करते चले जाएंगे। अब ये देखिए यहाँ पर 2 का 1, और जैसे हमने बॉर्डर बनाया है उस तरह 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे, हर फंदे को 2 का 1 करेंगे तभी हमारे पास यहाँ 15 फंदे बचेंगे क्योंकि 30 फंदे हैं। तो इस तरह ये हमारे पास होने चाहिए 105 से 110 फंदे के बीच में ऊपर गले में। बस एक साइड से हम इसको खुला रखेंगे, बाकी दोनों तीन चारों एक ही इसमें आ जाएंगे सिलाई में, और ये 14, 15 फंदे हो गए। ये 15 फंदे हो गए हमने। अब हमारे पास यहाँ पर 107, 108, 110 के करीब हैं, तो मैं वो गिन के आपको बताऊँगी। अब यहाँ पर लास्ट में, इधर लास्ट में और इधर भी हमने इसको, यहाँ पे तो हम बटन लगाएंगे लास्ट वाले में जो बाजू वाला फंदा है, और यहाँ पर हमने इसमें कज रखना है एक बटन के लिए। इस पट्टी के अंदर जो हम गले की पट्टी बनाएंगे उसके अंदर बटन के लिए होल करना है, तो उसके लिए हमें इसमें लास्ट में यहाँ पर जब हम वापस आएंगे इसको बनाते बनाते सिलाई को, तो यहाँ पर 4 या 5 फंदे हम एक्स्ट्रा बना लेंगे इस तरह ऐसे करके। और देखिए ऐसे करके हम 5 फंदे डाल लेंगे और उन्हें हम बॉर्डर की तरह ही बना लेंगे ताकि उसमें हमारा होल हो जाएगा। तो मैं बनाऊंगी तब आगे आके इसको सिलाई को पूरी कंप्लीट करके इधर लाएंगे तब मैं दिखाऊंगी आपको। तो अब ये बॉर्डर की तरह हम 8 सिलाइयाँ यहाँ पर बना लेते हैं। मेरी स्वेटर बनकर तैयार हो चुकी है, गोल गला बनाया है और मैंने इसमें 8 सिलाइयाँ डाली हैं। 8 सिलाइयों के बाद मैंने इसको बंद कर दिया। और ये देखिए एक बटन के लिए मैंने आपको बताया था कि बटन लगाने के लिए, तो हमने ये यहाँ पर कज बनाने के लिए और ये एक्स्ट्रा 4 फंदे उठाए हैं ताकि ये क्या कहते हैं इसको, इसके ऊपर पट्टी आ जाए। अगर वैसे हम इसके ऊपर पट्टी लाते हैं तो ये जोड़ अच्छा सा नहीं लगता, इसलिए मैंने 4 फंदे एक्स्ट्रा उठाकर और यहाँ पर ये देखिए अब इसका पता नहीं चल रहा जोड़ में जोड़ आ रहा है।
तो ये आपको बनी हुई कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और किसी को अगर ये डिज़ाइन डालने के लिए दिक्कत आती हो तो मैं ग्राफ बना कर भेज दूँगी, किसी बहन या बेटी ने किसी ने बच्ची ने डालना हो तो वो इसका ग्राफ बना देंगे, तो उससे आसानी से इसको डाल सकते हैं। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।